टू मतलब बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे, मतलब यूट्यूब के लिए भी नहीं, मतलब वो उसके ऑफ द कैमरा। अरे भाई सच्चाई ब्लॉग है, सच्चाई ब्लॉग। भाई कैमरा बंद करो, पसंद करो क्या चाहिए, चलते है। ठीक, एक साल पहले ब्लॉग नंबर 74 में मैं और मेरा कजन हमजा हम लोग गए थे मिशन शॉपिंग के लिए, और हमने क्या क्या तफरियां करी थी ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब ठीक एक साल बाद वी आर हेयर, सेम बंदा सेम जगह जा रहे हैं, और आपको पता है 1.5 साल हो गया मिशन शॉपिंग पार्ट 1 को, आज हम मिशन शॉपिंग पार्ट 2 कर रहे हैं। अब ये कितने फीसद कामयाब होगा और कितना फीसद फेल होगा। सर पार्ट 1 तो कामयाब था, आवाम लव्ड इट, योर स्टोरी स्किल्स। अच्छा ओके बॉय, तो रूल जो है इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है, और रूल ये है कि पैसे हमारे होंगे, चॉइस आपकी होगी, 10 के बजट है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे। आपको इस ब्लॉग के लिए हमने इसलिए चुना है क्योंकि आप बचपन से जानते हैं, आपको पता है हमारी क्लोथिंग का स्टाइल क्या है। आप रेडी तो आप रेडी हैं? अच्छा दूसरी बात कि लकी वन ने स्पॉन्सर नहीं करा ये ब्लॉग, वो बस पार्ट 1 के अंदर लकी वन था, बाइक की आवाज़ सॉरी रोड साइड बैठे हुए, तो पार्ट 1 में लकी वन था, इसी वजह से पार्ट 2 में भी लकी वन है। लकी वन जो अच्छी थोड़ी सी तमीज़ की जगह है, इस वजह से अच्छा ब्लॉग बन जाता है। हाँ तो बस ये कहना था। बाकी हाँ मैंने फ़ोन पर लिखा हुआ क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ, सॉरी। फ़ोन से हम इनके माशाल्लाह से पार्ट 1 में और पार्ट 2 की रिवायत इन्होंने बरकरार रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है तो जो है इनके फ़ोन से हम बनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कैमरा अलाउ नहीं है वहाँ पर। तो चले भाई ऑलरेडी है, आप तैयार हैं, बस आपको मैं ये इस शॉट को एंड यहीं पे करूँगा कि बस चड्डी बनियान ना लेना। हाँ, वो तो मेरे हाथ में, बस बाकी सब इनके हाथ में, मैं कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, बाकी सब इनके हाथ में। तो भाई क्या सोचा आपने पहले? जीन्स पे जाएंगे आप? चले जीन्स पे जाते हैं। नहीं मैं क्या हंस रहा हूँ। सर आपकी चॉइस है। हाँ मेरे पास है। हाँ अच्छा चलो टू मतलब बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे, मतलब यूट्यूब के लिए भी नहीं, मतलब वो उसके ऑफ द कैमरा। भाई सच्चाई ब्लॉग है, सच्चाई ब्लॉग। भाई कैमरा बंद करो, पसंद करो क्या चाहिए, चलते। तो पहनोगे? बिल्कुल पहनूंगा। अभी बताओ कि हाफ पीस पहनोगे? ये भी नहीं पता। डार्क कलर की। देखो पहला मटेरियल ये व्लॉगर वाइब प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसका कलर तो नहीं आया ना ये चूज़ किया हमने, लेकिन अभी रिस्क है, रिस्क है, रिस्क तो सब में है भाई। रॉकी दिखी थी वैसे, पर उनकी रॉकी में फर्क है। Alright, Rami Scott, we are out of the mall. Shopping हमारी हो गई है। हमजा भाई very successful experience इनके लिए, सक्सेस है। अभी हम घर जाएंगे, फिर आपको सारे आइटम दिखाएंगे, अपना रिव्यू देंगे,
कि इन्होंने जो कारनामे करे हैं उससे हम खुश हुए ही नहीं हुए। ऑलराइट जी, वी आर हियर, घर आ गए हैं, सामान हमने ख़रीद लिया है, हमला भाई ने जो है शॉपिंग वॉपिंग कर ली है हमारे लिए, और स्टार्ट करते हैं हम। पहले आप मुझे बताएं जनरल ओवरव्यू दें, जनरल आपको एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो यार कमाल तरीन है, और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप शॉपिंग में मेरी तरह स्ट्रगल करते हैं, अगर आपका मूड ऑफ हो जाए यार, पक गए हो आप अपने लिए शॉपिंग कर करके, कोई पकता नहीं है वैसे, लेकिन पक गए, दोस्त यारों को लेके जाओ, हंसी मजाक करो, इन्जॉय इस शॉपिंग को भी इन्जॉय करो। और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए वो मेरा मशवरा लें कि ना करें, बहुत बहुत मुश्किल काम है। अच्छा भाई, तो मतलब भाई प्रेशर कैसा था आपके ऊपर? प्रेशर बहुत था, इन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं की। और ये सच्चाई ब्लॉग है भाई, ये मुझे 10-15 दफ़ा पूछ रहा था, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया। मैंने कहा कैमरा नहीं बुलाओ, बता दो। नहीं भाई, इतना इतनी सच्चाई इसने की नहीं है, इसने जानबूझ के रोजे में रखा है। सच्चाई ब्लॉग जिंदाबाद। ओके जी, पहला आइटम तो सबसे पहली जगह जो हम लोग गए थे वो था आउटफिटर्स, ठीक है? तो आउटफिटर्स पे, हाँ आउटफिटर्स पे पहली चीज़ जो हम लोग को पसंद आई थी, जो इनको पसंद आई थी, सॉरी मैं इनको पसंद आई थी, ठीक है? और हम अपना रिव्यू देंगे कि हमें अब हाँ कैसे लगी है। तो पहली चीज़ है ये द बैटमैन हेड, ठीक है? और इसका जो सामने वाला जो क्या कहते हैं इसे मटीरियल जो भी है, ये ग्लो करता है, और इसके ऊपर द बैटमैन का लोगो लगा हुआ है। सो हम इसको करेंगे, हम ऐसे रिव्यू देंगे कि पास है या फेल। पास है। इसलिए तो क्यों है, क्योंकि जस्टिस लीग जैसी आई है, बैटमैन था ही मेरा फेवरेट, लेकिन अब और ज़्यादा फेवरेट हो गया, ठीक है? और दूसरा जो लोगो लगा हुआ है ना, आप देख ही रहे होंगे जो बी रोल चल रहा होगा, तो ये लोगो जो कमाल तरीन बनाया है ना आउटफिटर्स ने, नॉट स्पॉन्सर्ड बाई आउटफिटर्स, कितने किसी भी ब्रांड ने और स्पॉन्सर नहीं किया ये, लेकिन वी रियली डू लव आउटफिटर्स क्लोथिंग, ठीक है? तो अच्छी चीज़ प्राइस सामने लिखे हुए आ गए होंगे। ओके जी, नेक्स्ट आइटम ये भी आउटफिटर्स से ही लिया गया है, और नेक्स्ट आइटम है ये टाई डाई टी शर्ट, पीछे से भी ऐसी है, आगे जो है लोगो है जिसपे लिखा हुआ है न्यू एरा बिलीव समथिंग फलां फलां का, ठीक है? तो पास है या फेल है? डेफिनेटली पास है, क्योंकि जब मैंने आउटफिटर्स की वेबसाइट देखी थी, टाई डाई स्वेट शर्ट टी शर्ट्स वाहिद चीज़ थी जो मुझे लाजमी चाहिए थी, चाहे मैं खुद जाके लूँ या फिर ऑनलाइन खरीदूँ, ठीक है? जो कि एक कलर जो मेरा फेवरेट था वो नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, पर कोई बात नहीं, हम इससे भी खुश हैं। बहुत कूल, कमाल, गुड जॉब, टू पास। ओके जी, बात मुझे लगता है कोई बड़ा सा झटका मिलने वाला है। नेक्स्ट आउटफिटर्स अगेन, और ये है, अबे तो पिंक नहीं है, तो ये पर्पल लाइट है, वहाँ पिंक लग रही है, लाइट सस्ते आसान जमाने में इन लोग समझाने के लिए लाइट पर्पल बेबी पर्पल कहते हैं। ये कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, वो कर देना, हाँ वीडियो वो डाल देना, ऑनलाइन तस्वीरों में उठा के अभी आपको दिखा देते हैं। और कमाल तरीन प्लेन टी शर्ट है, कपड़ा बहुत ही कमाल है, कलर खूबसूरत, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बेबी ब्लू पहना हुआ अभी, तो बेबी ब्लू, बेबी पिंक, बेबी पर्पल, ऐसे जितने भी बेबी कलर हैं सब कूल हैं, इन फैशन है, इन फैशन है, पास। ओके जी, अगला आइटम अगेन आउटफिटर्स, आखिरी आइटम है आउटफिटर्स का। चलो जी, ये है ऑल ब्लैक शर्ट, कैमरा अगेन जस्टिस नहीं कर रहा होगा, वीडियो आप देख रहे होंगे, तो लाइटिंग वाइटिंग अच्छी, इसका मटीरियल भी बहुत अच्छा है, हाँ बहुत लाइट। तो भाई ये तो हम पूछना भूल गए आपसे, तो क्या सोचा आपने ये खरीदने से पहले? ये मैंने कहा कि एक नौजवान आदमी के पास प्लेन ब्लैक शर्ट होनी चाहिए, जब भी शॉपिंग करे नई कोई ना कोई ब्लैक चीज़ खरीदे, चाहे वो पैंट हो चाहे वो शर्ट हो या टी शर्ट। और बाय द वे मेरे पास ब्लैक शर्ट नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई, मैं जब भी शॉपिंग में जाता हूँ तो ब्लैक शर्ट नहीं उठाई है मैंने आज, दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल। अच्छा जी, सेकंड पास फेल वर्ड, हाँ पास क्योंकि ये मेरे पास नहीं थी, तो और एंड आई लाइक चेंज, मैं अपने हेयर कट वगैरह दाढ़ी भी मैं कभी रखता हूँ कभी हेयर कट काटता हूँ, तो चेंज जो होता है ना वो अच्छा लगता है, ठीक है? दूसरा जो हम इसके ऊपर जो बेबी पर्पल जो टी शर्ट थी और जो टाई टाई टी शर्ट थी और जो कैप थी उसके ऊपर आपने क्या सोचा था, क्यों खरीदी आपने ये? जो पर्पल टी शर्ट थी लाइट पर्पल जो लेवेंडर कलर है, उसका तो ये था वो दिखी नहीं थी, और ये जैसी दिखी है बस उठाने की नौबत थी, और तो बहुत पसंद आई थी वो। और कैप कैप का ये था कि
सुपर हीरो फैन हैं हम बचपन से, जो बात है तो बैटमैन देखिए आप, बैटमैन तो है ही, और दूसरा बनी भी बहुत अच्छी है, लोगो बहुत ही कमाल खूबसूरती का, लोगों का जब लोगों का मटेरियल बहुत जबरदस्त है। ओके जी, तीसरी चीज टाइडाई, टाइडाई का वो तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी चॉइस पे था। अरे भाई क्या पर्सनैलिटी। ओके जी, ये आउटफिटर्स हो गया, अब हम जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास one.pk, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय one.pk बट one.pk हम गए थे और रिवायत को हमने दोबारा पर करा रखा, लास्ट टाइम भी one.pk गए थे, इस बार भी one.pk गए। तो ये क्या कहते हैं इसे, जॉगर पैंट, जॉगर पैंट्स हैं ये आप बीरोल में देखते होंगे इसका मटीरियल क्लोजअप से, तो ये भी जरूरी थी जॉगर। हाँ, इसका मुझे ये अच्छा लगा जो नीचे से नहीं, क्या कहते हैं आप, कुछ कहते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, स्ट्रेचेबल बैंड जो होता है, ये बहुत अच्छा होता है अगर आप स्नीकर पहन रहे, कूल स्नीकर पहनते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये नीचे नैरो हो जाते हैं, कमाल तरीन लगते हैं ये स्नीकर्स के साथ, तो अच्छा मटेरियल है। और हाँ, बाकी पहन के पता चलेगा कैसे, तो पास पास नहीं, पास लड़का खेल गया, पास सारे पास जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसको अगर मैं जो रिफ्यूज़ करूँगा ना तो लानत होनी चाहिए मेरी शक्ल पे, और अगर आप में से कोई लोग रिफ्यूज़ करेगा तो ये ऐसा बंदा है जिसने हॉलीवुड सिनेमा को ना जगाया, ये ऐसा बंदा है जो ये फिल्म मैनेजर ना, इस फिल्म के सारे पार्ट मैंने तीन तीन चार चार दफ़ा देखे हैं, तो मैं कभी रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकता, तो जब मैंने देखा ना दिल से खुशी हुई थी मुझे। फ्यूरर बाय द वे, फ्यूरर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय फ्यूरर, फ्यूरर्स हमने खरीदी है, एंड ग्रेट जॉब बाय द वे। आउटफिटर्स के पास भी ये शर्ट थी सेम, एस मतलब सेम नहीं, इसी फिल्म के स्टिकर की, लेकिन इतनी खास नहीं थी, तो ये भी वही है जो पहली नज़र में पसंद आई थी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत तरीन मटीरियल है, इस पर लिखा हुआ है रॉकी स्ट्रॉन्गर देन एवर राइज अगेन, आई थिंक ये रॉकी टू विल बेल, आई थिंक हाँ रॉकी टू, क्योंकि ये USA की चड्डी पहना हुआ है, तो इसमें जो वो हमारे USA जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पार्ट टू या पार्ट थ्री की तस्वीर है, बहुत ही कमाल तस्वीर है, मोटिवेशनल स्टफ है। ओके जी, ख़त्म। ओके जी, ऑल ख़त्म जी, ये था हमारा ईद शॉपिंग चैलेंज ब्लॉग, बजट के दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, बजट का, बजट के अंदर आया ना, बजट के अंदर आया ही नहीं आया ये आप बताएं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। देखो, शुरू में हम बिल्कुल फिक्स बजट पे चले, लेकिन हमने आउटफिटर से ही इतनी वो कर दी शॉपिंग, ओवर शॉपिंग हो गई। हाँ, क्योंकि आउटफिट से तरीके करीब सब वहीं पर, फिर हम बाहर निकले तो फिर और चीज़ें जब मिली हैं तो फिर वो ऐसी मिली हैं कि एक की तो बहुत ज़रूरत थी तो लेनी ही थी, वरना शॉपिंग कम्प्लीट कर, और दूसरी तो इतनी पसंद आ गई कि वो फिर ना लेना हम फजूल, तो इसलिए हम थोड़ा सा ओवर द बजट चले गए। हाँ, तो वो 1000-1500 ऊपर चल रही है, तो चैलेंज जो है ना कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने दिल खुश कर दिया, इसके लिए हम इसको बोलेंगे कंप्लीट चैलेंज, कंप्लीट 10 टेस्टेड। ओके जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लंबी नहीं करूँगा ब्लॉग, वैसे ही बहुत लंबा हो गया, यहाँ पर वीडियो खत्म होने वाला है, मैं आप लोगों के साथ बाकी सब फर्स्ट क्लास, और यही बोलूँगा दोस्तों यारों के साथ शॉपिंग करा करो, बहुत तफरी आती है, ठीक है, अकेले जाओगे, अम्माओं के साथ जाओगे, इनको पता है, ये बचपन के साथ हैं, इनको पता है क्या अच्छा लगेगा उस बंदे पे, कैसा इसका दिमाग है, इनको पता है कि आजकल के फैशन क्या चल रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की आवाम है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।